हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मनोवर टॉक्स। आज की वीडियो है कनाडा स्टूडेंट वीज़ा को लेके। जिन बच्चों ने अपना अप्लाई किया हुआ है कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जो है वो तो पता चल ही जाएगा इससे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपका वीज़ा आ सकता है या नहीं आ सकता। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कनाडा हाई कमीशन ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है हेल्प ली है आपका वीज़ा डिसीजन देने में, क्योंकि जैसे कनाडा हाई कमीशन ने बोला था कि जिन्होंने मार्च 2020 से लेके मई 2021 तक जो फाइल लगाई हुई है उनका वो 6 अगस्त से पहले पहले डिसीजन ज़रूर दे देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वीज़े एक्सेप्ट उनके हो चुके हैं, आपको पीपीआर मिल चुकी होगी। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी रिजेक्शन्स आई हैं। आज मैं रिजेक्शन का रीज़न भी आपसे शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या रीज़न्स आ रहे हैं रिजेक्शन्स के बच्चों के। तो सबसे पहला रीज़न आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ तो वो है भाई, कैनेडा के जो SGS रूल के अंडर अगर आपकी फ़ाइल लगी हुई है और अगर आपका कोर्स रेलेवेंट नहीं है तो आपको नॉन रेलेवेंसी कोर्स का जो है वो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपके जो है वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आपका कोर्स रेलेवेंट नहीं है कनाडा जो जाने के लिए, आपने सही कोर्स सेलेक्ट नहीं किया, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर। लाइक एक्सपेरिमेंट किया, मैं बात आपसे कर लेता हूँ कि अगर आपके कोई रिलेटिव थे इस पर्टिकुलर लोकेशन में, उस कॉलेज में अगर वो कोर्स नहीं मिल रहा था फिर भी आपने वो कोर्स को चूज़ कर लिया अपने लिए, तो भाई आपने बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे उससे। अगर आपका अभी तक डिसीजन नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है, जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा कड़वा है लेकिन ये सच है, आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस इससे ज़्यादा होंगे अगर आपके कोर्स की रेलेवेंसी नहीं है आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ। तो सेकेंड रीज़न की बात करता हूँ, आपका सेकेंड रीज़न आ रहा है आइल्स को लेके, इंग्लिश रिक्वायरमेंट को लेके। अब देखिए, इंग्लिश रिक्वायरमेंट से साफ जस्टिफाई होता है कि आपको 6 ईच बैंड के साथ अपनी फाइल को लगाना ही चाहिए था कनाडा में अगर आपने अपनी फाइल को रिजेक्शन से बचाना है तो। लेकिन एजेंट के झांसे में आके आप आइल्स नहीं करना चाहते, उस चक्कर में आपने क्या किया, एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, दो मॉड्यूल में 5.5 बैंड है और कॉलेज जी ये वाला मेरे को एक्सेप्ट कर रहा है और एजेंट मेरे को बोल रहा है मैं यहाँ पे एडमिशन ले दूंगा। उन्होंने आपको एडमिशन तो ले दी, अब आपकी फाइल तो लगी हुई है, पिछले 1.5 साल से आप वेट करें अपने डिसीजन का। लेकिन अगर अभी आपको पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ स्टेजेस को बना दिया गया है कि इस स्कोर से ज़्यादा अगर आपके स्कोर बनते हैं तो आपको वीज़ा मिलेगा, अगर इस स्टेज के स्कोर से कम आपकी फ़ाइल लगी है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग आपकी फ़ाइल को चेक नहीं कर रहा, आपको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है आपकी फ़ाइल को, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपकी फ़ाइल को जो चेक करेगा उसको जो स्टेजेस दी गई हैं उसने कुछ सोचना तो है नहीं, उसको तो बस एक हिंट दे दिया गया, प्रोग्राम को डिज़ाइन कर दिया गया, और अगर आपकी फ़ाइल उस क्राइटेरिया को प्लस करती है तो आपको वीज़ा आ जाएगा, नहीं करती है तो वीज़ा नहीं आएगा। अब नॉन SGS फाइल में आपकी फ़ाइल लगी होगी वो आप सबको पता है, क्योंकि अगर इंग्लिश में आपके आइल्स में स्कोर कम थे तभी आपने नॉन SGS में अपनी फाइल लगाई है, तभी आप एजेंट के पास गए हो जी मेरी फाइल लगा दो अगर लग सकती है तो, क्योंकि मैं तो आइल्स नहीं कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली अब आपको इस बात का जो है वो प्रॉब्लम आपको होने वाली है, तो फेस आपको ही करना पड़ेगा। अगली बार जब भी फाइल लगाएंगे तो डेफिनेटली आइल्स में 6 बैंड आप जरूर लीजिए, SGS में अपनी फाइल लगाइए, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने जो एक रूल बनाया आप उसको कम से कम तो फॉलो करो ना अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो। इंग्लिश रिक्वायरमेंट के रीजन से बहुत ज़्यादा फाइलें रिजेक्ट होंगी और मेरे को पता है इसका 80% फाइल्स जो है 5.5 बैंड वाली जो लगी हुई हैं और उनका तो भाई अब क्या बोलें, अब लगा तो दिया फाइल्स को, अब वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस आपके लिए ज़्यादा होंगे। 5.5 बैंड जिनके आ चुके हैं, चाहे जिनकी EAP आई हुई है चाहे जिनकी नहीं आई हुई, अब उनको अपना जो है वो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट जो स्टेज है उनकी फाइल का वो PPR आने के चांस आपके कम होंगे अगर आप नॉन SGS कैटेगरी में अगर आपने अपनी फाइल लगाई हुई है तो। अब एकेडमिक रीज़न क्या होता है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। एकेडमिक रीज़न आपके लिए तब लगता है जब आप समझते हैं जी मेरे 65% स्कोर हैं तो मेरा रिजेक्शन नहीं होगा, लेकिन उस चक्कर में आप अपने ईच सब्जेक्ट में स्कोर काउंट नहीं करते। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप अच्छे स्कोर्स के साथ आ रहे हो तो अच्छा आपको कोर्स मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी और आप अच्छे से स्टडी अपनी कर पाओगे उस कोर्स में। लेकिन ईच सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कुछ भी जो भी आपने अपने मेजर सब्जेक्ट में लिया हुआ है सब्जेक्ट्स को, अगर किसी में 50 स्कोर से कम है ना, मैं 50% की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 50 स्कोर की, अगर किसी भी स्कोर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 50 से कम है तो आपका एकेडमिक रीज़न लगने के चांस ज़्यादा है कि उसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, चाहे आपके नंबर जितने मर्जी परसेंट हो लेकिन आपकी प्रोफाइल एज पर ईच सब्जेक्ट के स्कोर्स के बिहा पे आपकी फाइल लाइक रिफ्यूज़ होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपके स्कोर कम है।
एक्सेप्ट होने के चांस आपके होंगे। अगर आपके स्कोर पूरे हैं तब तो आप बिल्कुल 100% आपका वीजा आएगा। अगर बाकी रिक्वायरमेंट को अगर आपने फॉलो किया हुआ है, एसटीएस में अगर आपने अपनी फाइल लगाई हुई है, कोर्स रेलेवेंट है आपका, स्कोर ज़्यादा है आपके और आईएलटीएस में भी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी है, अंडर एसटीएस अगर आपकी फाइल लगी हुई है, कवरिंग एक अच्छे से अगर आपकी बनी हुई है, तो भाई आपका वीजा तो 100% आ ही जाएगा, कोई इशू नहीं होगा उसमें। अब दिक्कत तो उन बच्चों को है ना जिन्होंने इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया फिर भी फाइल को लगा दिया। तो ये कुछ तीन रीज़न है, चौथा रीज़न भी बता देता हूँ। चौथा है अदर रीज़न क्या होता है, पहली बात तो यही है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मेरे को अदर रीज़न लग के आया फाइल में, तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें सारा कुछ ही लगा दिया इन्होंने जी, आप वापस नहीं आएंगे, आपके स्कोर्स का ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें लग जाती हैं। तो अदर रीज़न क्यों लगता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अदर रीज़न तब लगता है इसमें आपकी फाइल में जिसमें आपने अपने फ्यूचर के प्रोस्पेक्टस को क्लियर ही नहीं किया हो। आपने वीज़ा ऑफिसर को बताया ही नहीं है कि आप क्यों जाना चाहते हैं कनाडा, आप वहाँ पे जाके करना क्या चाहते हैं। अगर आप कनाडा में जाना चाहते हैं तो स्टडी आपने ये वाली क्यों चूज़ की है, इसके फ्यूचर बेनिफिट क्या है, जॉब क्या है आपकी फ्यूचर में, कहाँ जाना चाहते हैं, इंडिया वापस आना चाहते हैं, कनाडा में आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है वो कनाडा जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है। अब तो उन्होंने सारा कुछ थोप दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो उसमें उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया, उसमें भी सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉफ्टवेयर आपकी फाइल को समझता है, आपको आपकी कवरिंग को जो है वो अच्छे से चेक करता है, उसके बाद अपना जो उनका प्रोग्राम बनाया हुआ है उसमें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली अगर तो उसको समझ आता है कि आपका पूरा प्रोस्पेक्टस क्लियर है फ्यूचर का, तो वीज़ा आपको 100% आएगा। नहीं क्लियर होगा तो भाई आपका रिजेक्ट होने वाला है। तो चार मेन कारण है वीज़ा आपका रिजेक्ट होने के। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये कारण तो उनको पता है कि ये लगते हैं, तो भाई फिर आपने अपनी फाइल को कनाडा में क्यों अप्लाई किया। अगर आपको इन सारी चीज़ों का पता है ऑलरेडी, अगर आपने मेरे से भी कभी बात की हो तो क्या मैंने आपको कभी बोला है कि 5.5 बैंड के ऊपर आप अपनी फाइल को लगाइए, मैंने कभी नहीं बोला। पिछले 3 साल से जब से ये रूल ऑन हुआ है मैंने आज तक नहीं बोला कि 5.5 बैंड के ऊपर आप अपनी फाइल को कनाडा में पुटअप करो। मैंने हमेशा बोला कि एसडीएस में फाइल लगाओ, अच्छे स्कोर्स के साथ लगाओ, अच्छे आयल्स के साथ लगाओ, अच्छे कोर्स के साथ लगाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी कवरिंग लेटर बनाओ, तो वीज़ा आपका 100% क्यों नहीं आएगा, आपका वीज़ा 100% आएगा। और अगर आप अपनी गैप वाली प्रोफाइल के साथ लगा रहे हो, अदर रीज़न में गैप भी आता है आपका, 3-4-5 साल हो चुके हैं आपको स्टडी छोड़े हुए, फिर आपका मन कर गया जी मैंने कनाडा में जाना है स्टडी करनी है, बाय चांस आप मैरिड हो, बच्चा है, फिर भी आपको पता है कि आप सिंगल तो जा ही सकते हो, चलो आपने अपनी फाइल लगा दी, तो बैकग्राउंड चेक होता है इसमें। बैकग्राउंड चेक होने से जो है आपकी पूरी फैमिली की कंडीशंस देखी जाती हैं जो आपने शेयर की होती हैं फाइल में। इसके अलावा आपका स्टडी के गैप के अंदर आपने क्या किया है उस चीज़ को भी वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद आपका डिसीजन निकाला जाता है, तब आप अदर कैटेगरी में जाते हो कि आपका वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो अदर में आपका रीज़न मिलने वाला है आपको। ये सारे कारण होते हैं कनाडा का हाई कमीशन की तरफ से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के। और जनवरी 2022 में खासकर अगर आप जाना चाहते हैं तो इन बातों का खासकर ध्यान रखिए। मेरी मदद लेना चाहते हैं, मेरी कंपनी के थ्रू अगर आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप जब मर्जी, नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, मेरे से आके मिल सकते हैं जनवरी 2022 में। इस टाइम हर एक कोर्स के लिए जो है सीट्स अवेलेबल है हमारे पास, किसी भी कोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं, रेलेवेंसी मैं देखूंगा, चेक करूंगा, रेलेवेंसी के अकॉर्डिंगली आपको उस कोर्स में डालूंगा। यहाँ पर रिश्तेदार बिल्कुल नहीं आने चाहिए, 2 से 3 ऑप्शन आपको मेरे को देनी पड़ेंगी अगर आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं, 2 से 3 एरिया आपको बताने पड़ेंगे, 2 से 3 कॉलेज आपको खुद सर्च करके मेरे को बताने पड़ेंगे। 100% मेरे पास वो कॉलेज और सीट्स अवेलेबल होंगी, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, और कोर्स की रेलेवेंसी के बाद में मैं आपकी फाइल को पुटअप करूंगा एम्बेसी में। तो अगर आप जनवरी इनटेक में अपनी फाइल को लगाना चाहते हैं, जनवरी 2022 के इनटेक में, तो आप भाई मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपके एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप बात कीजिए और अपनी प्रोफाइल को मेरे साथ कीजिए शेयर। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट डे में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, होप करूंगा आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।